3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल मैच में एक नए खिलाड़ी अंकुश रघुवंशी का नाम काफी चर्चा में रहा। अंकुश रघुवंशी आखिर कौन है, आइए जानते हैं दी विकेट में। केकेआर और डीसी के मैच में बैटिंग डेब्यू करने वाले अंकुश ने 27 गेंदों में शानदार 54 रनों की पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दिल्ली में जन्मे अंकुश की शुरुआती ट्रेनिंग गुड़गांव में हुई थी, लेकिन 11 साल की उम्र में अभिषेक नायर और ओमकार सालवी से प्रशिक्षण लेने के लिए वो मुंबई आ गए थे। अंकुश को अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब फेम मिला था। उस विश्व कप में अंकुश रघुवंशी भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। रघुवंशी ने टूर्नामेंट की 6 पारियों में कुल 278 रन बनाए थे। आपको बता दें कि एथलीटों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले अंकुश के पिता अवनीश रघुवंशी एक पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि उनकी मां मलिका कपूर बास्केटबॉल की खिलाड़ी रह चुकी हैं।